नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार की राजनीति जो है इस वक्त बेहद गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई में अब एनडीए कूद पड़ी है और एनडीए इस तरीके से टूटी है कि चिराग पासवान अब एनडीए का दामन कब छोड़ दे ये किसी को पता नहीं है। अब एनडीए बना चिराग पासवान बिहार में देखने को मिल रहा है और चिराग पासवान का बागी तेवर जो है एनडीए को परेशान कर रहा है। आखिर चिराग पासवान के बढ़ते कद को देखते हुए एनडीए ने भी अब मन बना लिया है कि चिराग पासवान पे नकेल कसी जाए ताकि चिराग पासवान का बढ़ता कद जो है वो रुक सके, थम सके। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है, राकेश सिंह जी हैं, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ताओं में से गिनती होता है। स्वागत है सर। धन्यवाद। चिराग पासवान और एनडीए की लड़ाई किस तरीके से आप देख रहे हैं? चिराग पासवान आखिरकार आप लोगों के नाक में दम कर दिए। चिराग पासवान एनडीए में मोदी जी के हनुमान हैं। चाचा और भतीजा दोनों एनडीए में हैं, थे और रहेंगे भी। बहुत बातें हुई, सब लोग एनडीए में एकजुट है, एक गुट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहा है, कहीं कोई शंका नहीं है। केवल बयानों के पीछे मत जाइए, सबने साबित भी किया है कि हम एनडीए में एकजुट हैं। आपने देखा भी है, पारा जी के बारे में कई तरह की बातें होती थी, उसके पहले चिराग जी के बारे में कई तरह की बातें होती थी, बातें होते रहती हैं। लेकिन पारस जी के बारे में जो बातें हो रही है वो तो चिराग पासवान ही कह रहे हैं ना कि पारस जी तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, कौन एनडीए में उनको पूछता है? देखिए, कहे ना, पहले भी चाचा और भतीजा दोनों एनडीए में थे, हैं और रहेंगे, एकदम निश्चित मान लीजिए। ये चिराग पासवान क्यों नहीं समझ रहे हैं कि चाचा एनडीए का हिस्सा है और रहेंगे? खूब समझ रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है थोड़ा सा डर लग रहा है चाचा से। मीडिया में कुछ खेल चलते रहे, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं ना, राजनीतिक व्यक्ति कुछ ना कुछ खेल करते रहता है, क्योंकि मीडिया वाले को भी चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप लोगों को कुछ चाहिए, स्वाभाविक है, खबर बनाने के लिए खबर बनाया जाता है। लेकिन चाचा भतीजा पूरा एनडीए परिवार, हम एनडीए परिवार की बात कर रहे हैं, पूरा एनडीए परिवार एकजुट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चिराग जी ने कहा हम हनुमान हैं, तो हनुमान जी राम के बिना कैसे रह सकते हैं? कोई कल्पना कर सकता है क्या? इसलिए कह दिए कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, न कोई मनभेद है, नेता तय है, नीति तय है और नेतृत्वकर्ता तय है, जिस गठबंधन में ये सब कुछ तय है वहाँ कोई संशय नहीं है, एकदम तय मान लीजिए, संशय नहीं है। लेकिन चिराग पासवान बगावती तेवर बिहार में तो दिखा रहे हैं, आप लोगों का जो निर्णय निकल के सामने आ रहा है केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ खूब बोल रहे हैं। सीधा तीन जो आप लोगों ने निर्णय दिया, वक्त वोट, उसके साथ में जो आप लोगों ने और निर्णय दिया उसका विरोध तो किए ना, अब ये भी कह रहे हैं कि हमें पूरे देश में जातीय गणना चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती। देखिए, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और हनुमान जी कभी नरेंद्र राम के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया, पता है ना। और बयान, राजनीति सब लोग करते हैं, लेकिन नेता किसको मानता है? नेतृत्वकर्ता कौन है? किसकी सरकार में, कैबिनेट में है, ये भी जरा देखिए। तो इस पर कोई बहुत मायने मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना कि हम सभी एकजुट हैं, एक गुट हैं, नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी है और बिहार में नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होना है। और बता दें आपको, सबका उद्देश्य है 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बने, ये सबका लाइन है, सब लोग यही चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले घोषणा कर दिया है,
और एनडीए के सभी नेताओं ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना है पूर्व में भी और आज भी नेता मान रहे हैं। और आपको बता दें आज भी बिहार में सर्वमान्य नेता अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है, कहीं कोई संशय की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, चलने दीजिए, कुछ बातें चलते रहती हैं। लेकिन चिराग पासवान के सांसद कह रहे हैं कि 2025 में अगर कोई सीएम होगा तो चिराग पासवान होंगे, खुलकर ऐलान कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन भी उनके जीजा अरुण भारती ने ऐलान किया कि 2025 का सीएम चिराग पासवान, और आप कह रहे हैं कि 2025 का सीएम नीतीश कुमार, तो एनडीए दो खेमे में कैसे बट गई सर? सब लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा है, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही चुनाव जीता है, बोलने दीजिए ना, कुछ लोग बोलेंगे। अच्छा, चिराग पासवान से डरी हुई नहीं है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी डरती है तो केवल भारत की जनता से। बैसाखी के सहारे चल रही है मोदी सरकार केंद्र में, और उस बैसाखी के सहारे में चिराग पासवान भी अपने 5 सांसदों को लेकर, अगर चिराग पासवान नाराज हुए तो 5 सांसद गए और बैसाखी टूटेगी सर, और उसके बाद फिर केंद्र से सरकार भी गायब, बिहार से सरकार भी गायब हो सकती है। और यही कारण है ना कि अब पशुपति पारस जी के साथ जो बीजेपी ने किया, अब बीजेपी को गलती सता रही है कि हमने पशुपति पारस जी को साइड करके सबसे बड़ा गलती किया था, और अब नकेल कसने के लिए चिराग पासवान को पशुपति पारस और उनकी पार्टी में जान फूकनी पड़ रही है। देखिए, ना कोई नाराज है ना कोई नाराजगी, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, गोल गोल जवाब दे रहे हैं सर, सवालों से बच रहे हैं। गोल गोल जवाब नहीं दे रहे, हमने क्या कहा? सब लोग नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर काम पर चुनाव लड़ा है। तो चाचा को आप लोग उचित सम्मान देंगे 25 में? सबको सम्मान एनडीए में, चाचा भी कैबिनेट मंत्री थे, अभी भतीजा कैबिनेट मंत्री है, क्या परेशानी है भाई? लेकिन उनके 5 सांसदों की बलि तो चढ़ गई थी 24 में, 5 सांसद के बाद फिर से 5 सांसद जीत के आ गए, सब बिहार के लोग। लेकिन उनके नहीं आए ना सर, वो तो चिराग जी के आए ना। ये दोनों पार्टियां रामबिलास जी की हैं ना, रामबिलास जी के नाम पर ही है, उनके काम पर, उनके जो किए गए कार्य है सब तो उन्हीं के हैं। रामबिलास जी वो चिराग जी हों या पारस जी हों, हैं कौन, सब तो उन्हीं के हैं। हमने पहले कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और देश के जो लोग, राज्य के जो लोकप्रिय हम लोग के नेता हैं, लगातार बिहार में नेतृत्व करता है, नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, सब लोग उन्हीं के नाम पर, उनके काम पर जीत के आए हैं। तो नेतृत्व, तो नेतृत्व की बात को सुनना होगा, नेतृत्व के फैसले को सबको मानना होगा, और सब मानेंगे भी। एनडीए में कभी कोई किसी के बात की अवहेलना नहीं किया है, आगे भी कोई अवहेलना नहीं करने वाला है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, एनडीए एकजुट है। जो खबरें चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों को बीजेपी तोड़ने वाली है, 3 सांसद ऐसे हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से मोह भंग हो गया है और इसके पीछे बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी अब छोटी मछली को खाना चाहती है जो चिराग पासवान है, इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, एक बात बताइए, सब जब नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़े हैं, जीते भी हैं, फिर तोड़ने और जोड़ने की बात कहाँ है भाई? एक ही परिवार के लोग हैं, एनडीए परिवार के लोग हैं, फिर तोड़ने और जोड़ने की कहां बात है सर? ऐसे, और सुन लीजिए, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करती है। हम लोग लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, समाज को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, न राज्य को न राष्ट्र को तोड़ने की बात की, हमने सभी समाज को जोड़ने का काम किया है, इसलिए कहीं कोई गुरेज नहीं। पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मुहर लगाया है, सबको, सबने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है, इसलिए कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। चिराग पासवान को दोनों चाचा पसंद नहीं है, सीएम नीतीश कुमार भी पसंद नहीं है और अपने चाचा पारस भी पसंद नहीं है चिराग पासवान को। आपने 2000 पहले का जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उसमें देखा था कि चिराग पासवान का नारा क्या था, मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। तो वो नीतीश कुमार को आखिरकार किस तरीके से सीएम फेस मान लेंगे 2025 में चिराग पासवान और उनकी पार्टी? अरे, चिराग पासवान जी तो चुनाव के पहले भी नीतीश जी से आशीर्वाद लेने गए थे, चुनाव जीतने के बाद भी गए, मंत्री बनने के बाद भी गए आशीर्वाद लेने, कहाँ कोई बात ऐसी है, इस प्रकार की तो कोई बातें हैं नहीं। सब सही है इंडिया में, बिल्कुल, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, काम जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए।
देखिए राकेश सिंह जी थे, खुलकर तमाम मुद्दों का जो बातें होती हैं वो कहते हैं, जानकारी देते हैं। और इस वक्त जो बिहार की राजनीति सबसे गर्म नजर आ रही है चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। चिराग पासवान जो है अब एनडीए के लिए सिर दर्द बने हुए हैं और एनडीए चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए चाचा की जो मरती हुई पार्टी थी उसमें जान फूकने की काम कर रही है। और प्रिंस राज को बहुत जल्द अब बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जो खबरें निकल कर सामने आ रही। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, चाचा भी एनडीए का हिस्सा है और चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन क्या इतने आसानी से चिराग पासवान चाचा को एनडीए का हिस्सा स्वीकार कर लेंगे और दोनों की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।